एक तरफ भाजपा आजसू की ओर से एनडीए गठबंधन में सब कुछ कुशल मंगल होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी जमशेदपुर से लेकर चंदन क्यारी तक का रास्ता उलझता नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ना तो रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर के अपने किले को सरयू राय के लिए कुर्बानी देंगे और ना ही चंदन क्यारी सीट से आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में और मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा भले ही कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और सभी दलों की सहमति बन गई है, पर सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आजसू और बीजेपी के बीच अभी भी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इन दिनों पूर्वी जमशेदपुर के साथ ही चंदन क्यारी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों ऐसी हवाएं चल रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है यदि पूर्वी जमशेदपुर सीट सरयू राय के कोटे में गई तो रघुवर दास निर्दलीय अखाड़े में उतरकर भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक उमाकांत रजक इस बार किसी भी कीमत पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को सियासी शिकस्त देना चाहते हैं। इसकी एक झलक भी लोगों के सामने आ गई। 30 सितंबर को आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक में उमाकांत रजक ने साफ कर दिया कि चंदन क्यारी की सर्वांगीण विकास के लिए वह किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में अमर बावरी ने चंदन क्यारी के लिए कुछ भी नहीं किया। किसान हो या जवान या फिर समाज का दूसरा तबका, अमर बावरी ने समाज के हर तबके को निराश किया है। अंचल कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अमर बावरी के क्रियाकलाप को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश है। चंदन क्यारी विधानसभा में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। जनता सिर्फ चुनाव की रणभौरी बजने का इंतजार कर रही है। जैसे ही चुनाव की रणभैरी बजती है अमर बावरी की विदाई तय है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि यदि यह सीट आजसू के खाते में नहीं जाती है तो उस हालात में उमाकांत रजक विकल्प की तलाश में जेएमएम में भी शामिल हो सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो जेएमएम को चंदन क्यारी में एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उमाकांत रजक वर्ष 2009 में इसी चंदन क्यारी सीट से ही चुनाव जीत चुके हैं। तब उन्होंने अमर बावरी को करीबन 3000 वोटों से हराया था, लेकिन वर्ष 2014 में उमाकांत रजक को हार का सामना करना पड़ा। 2014 के चुनाव में अमर बावरी 81,925 वोटों के साथ चुनाव जीत गए, तो वहीं उमाकांत रजक 47,761 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं झामुमो के हारू रजवार 9,189 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं 2019 में एक बार फिर से जीत का सहरा अमर बावरी के माथे पर ही सजा। इस बार अमर बावरी के हिस्से में 67,739 वोट आया तो उमाकांत रजक के हिस्से में 58,528 वोट। इस चुनाव में उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेकिन वह चुनाव हार गए। लेकिन 2019 के चुनाव के परिणाम से यह तो साफ हो जाता है कि अमर बावरी के वोट में भारी गिरावट हुआ है, और यदि इस बार उमाकांत रजक झामुमो की सवारी कर बैठते हैं तो उनकी जीत लगभग तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंदन क्यारी में झामुमो की भी मजबूत पकड़ रही है। झामुमो के टिकट पर ही हारू रजवार ने 2000 और 2005 में जीत दर्ज की थी, लेकिन वर्ष 2009 में हारू रजवार जेडीयू में शामिल हो गए और यह सीट झामुमो के हाथ से निकल गई और उमाकांत रजक ने आजसू का झंडा बुलंद कर दिया। तो वहीं वर्ष 2014 में अमर बावरी ने जेबीएम का परचम लहराया, लेकिन वर्ष 2019 में अमर बावरी ने बाबूलाल को चकमा देते हुए भाजपा की सवारी करने का फैसला कर लिया। इस पलटी के बाद जीत तो मिली लेकिन जीत हार का फासला एकदम कम हो गया। इस हालात में उमाकांत रजक यदि झामुमो की सवारी करते हैं तो अमर बावरी के लिए एक बड़ा सियासी सदमा हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर इस बात को भी लेकर चर्चा है कि 2 अक्टूबर को पीएम मोदी के दौरे के बाद किसी भी वक्त झारखंड में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, और 5 सितंबर के बाद एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग के साथ उम्मीदवारों की प्रथम सूची का भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उलझा पड़ा है। ऐसे में भाजपा अपनी उम्मीदवारों की प्रथम सूची कैसे जारी करती है यह भी देखना दिलचस्प होगा, और टिकट के आस में बैठे एनडीए गठबंधन के नेताओं को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद वह कौन सा रूप अपनाएंगे यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी झारखंड में दल बदल का खेल अपने चरम पर है। यह सब बातें तो होते रहेगी, लेकिन चंदन क्यारी सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उमाकांत रजक चंदन क्यारी के मैदान में उतरते हैं तो वह चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।